देखिए 28 अगस्त को नूह में हिंदू संगठनों के यात्रा निकालने के ऐलान के बाद एक बार फिर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने यात्रा की परमिशन नहीं दी है। इसके साथ ही नूह में धारा 144 लागू है। इसके अलावा एहतियातन 28 अगस्त को स्कूल कॉलेजेस बैंक को बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके अलावा नूह में इंटरनेट पर 29 अगस्त तक पाबंदी लगाई गई है। आपको बताएं 31 जुलाई को नूह में हिंसा के खिलाफ 13 अगस्त को एक महापंचायत हुई जिसमें हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को अधूरी ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इसी मद्देनजर अब प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। तो देखिए हिंदू संगठनों की इस अधूरी यात्रा को पूरा करने की जैसे ही तारीख आती है प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कई रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उन सबको इम्पोज कर दिया गया है ये देख करके कि एहतियातन कहीं से किसी भी तरीके से पुरानी यात्रा जैसी तस्वीरें न दोहराई जा सके। इसके लिए सबसे अहम इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 29 तारीख तक इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे नूह में। धारा 144 लागू है। इसके अलावा अपील ये की जा रही है जलाभिषेक कीजिए, यात्रा ना निकालें। परमिशन को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। जो ब्रजमंडल यात्रा है उसके बारे में जो परमिशन थी वो डिनाई कर दी है, लेकिन कुछ संगठनों ने 28 तारीख को इस यात्रा को निकालने का आह्वान किया हुआ है। हमने इसी को ध्यान रखते हुए एक तो धारा 144 पूरे ज़िले के अंदर लगाई, साथ ही हमने इंटरनेट की जो सुविधा है वो आज 12 बजे से लेके 28 तारीख के 12 बजे तक रात को बंद करवा दी गई है।